Assalamualaikum जी, you're watching Cola Seals. अच्छा जी, we're back with another video. आज जनाब तैयारी है जी दीना की तरफ. उधर जनाब एक बड़ी ट्रेजडी हुई है. पिछले दिनों ना 10-12 पट्ठे हमारे तैयार हुए हैं. पट्टियाँ पट्ठे 10-12 थे जवान. तो लास्ट टाइम मैं विजिट किया, मैंने कह के आया था कि भाई ये जवान हो रहे हैं. कहते हैं नया मुर्गा छोड़ा हो गया था जी, भूखो नहीं लगते जी आपस में. तो वो जनाब जी देखें जी, ठीक है जी, ये मुर्गी लेके जा रहे हैं हम, तेरी है ठीक है जी. तो वो जनाब लड़ पड़े आपस में माशाल्लाह से, और उन्होंने एक दूसरे की सही तो मेन जनाब पटी है, और उसमें काफी जाये हुए हैं बर्ड्स, बड़े बड़े अच्छे मुर्गे जो उनसे जाये हुए हैं. किसी की नोक उड़ गई है, किसी की आंख चली गई है, बड़ा मुर्गा भी उसके साथ भी लग पड़े, ठीक है. तो वो दाबे से निकल गए. तो ऐसा होता है अगर अपने पट्ठे जवान इकट्ठे छोड़ने हैं ना, तो मादियाँ आपने बिल्कुल बीच में नहीं छोड़नी, पट्ठियाँ पुट्ठियाँ नहीं छोड़ते. तो वो हमेशा किलो में भी हो जाए, वो आपस में नहीं लगते, एक दूसरे के दाबे रहते हैं, मस्ती नहीं करते. जब आपने पट्ठियाँ भी बीच में छोड़नी है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि जी ये ना लगे एक दूसरे के साथ, ये नामुमकिन सी बात है जी, ठीक है जी. तो ये लाजमी लगते हैं आपस में, और फिर नुकसान ही होता है एंड में अगर आप उनका केजेस का बंदोबस्त ना करें. ये जना मुर्गी है जी, ये उधर जा रही है. डार साहब ना आ चुके हो जी, मेहरबानी करो. यूट्यूब वाले बड़े डांटे ने, ठीक है. अगले दिन ही अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक हो जनाब. अगले दिन ही एक वीडियो लगाई है, ठीक है. उसके बाद दूसरी आप लोगों के लिए लगाई है, तो माशाल्लाह गिफ्ट मिल गया जी अरसे बाद आने का. यूट्यूब पे स्ट्राइक भी मिली है और वीडियो भी ट्रीट हो गई है. तो फिर आप जनाब मेरी तौबा, मैं जनाब हाथ में मुर्गा पकड़ूँ. अगर आपने मेरे बर्ड्स का शौक करना है, तो आप टिकटॉक पे फॉलो करें कॉल असील, ठीक है, उसको फॉलो करें. उधर मैं जरूर मुर्गे पकड़ के आपको शौक करवाया करूँगा, ठीक है जी. चलो जी चलते हैं सफर की तरफ. जनाब कह रही है कि डार साहब नहीं, मैं इंग्लैंडिया हूँ. मैं जनाब किसी शक्ल तो इंग्लैंडिया लगना, तो दूसरी गल है कि पैसे चौके दस मनु सही सही दसी कि बटवे पैसे चौके तू मनु इंग्लैंडी बुलाई खड़ी है, फिर हूं पैसे लगे तेन, तू इन इंग्लैंडी आदि खुश हो गया, तेन 5,000 का नोट आज दे छोड़ा लाटरी निकली वालेकुम जी. अल्लाह मासिया कुकड़ी कौन लगे हैं जनाब. दीने दी रेलवे अगे स्टेशन है, ठीक है. तो हूँ अस जनाब फिर मिलने, यकीन मानो मुँह भी नहीं सही तरह धोता, तो वहली वहली आ गया. शेरों के मुँह धोते होंगे. वो जनाब कुछ दावत शावत सी, अज इफ्तारी का टाइम सी, मैं टाइम नाल वेले हो ये घंटे के अंदर अंदर. डार साहब का फोन सुबह सुबह आया, कहते जी ना वहली वहली निकलो वापस ही आना है. मैं जनाब छलांग मारी है, छुट्टी सी बैठ तू, मैं चलो टाइम ना वेले हो आपस, ठीक है. ओ भाई ना स्ट्राइक लवायो जी, रहन दो तुसी, ए शौक इत्थे करा दे, एक नंबर सौदे सौदे. ये लंगड़ी हुई है जनाब बचपन तू, ठीक है. टाइसन की डायरेक्ट पट्ठी है, तो माँ इसकी क्रैकन सी, मतलब क्रैकन क्रॉस टाइसन है, ठीक है. बच्चे दे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है इस मुर्गी का. ए जनाब अरजलान साहब ही आ गए, ए देखो लो जी अरजलान साहब ही आ गए जी. वाह जी वाह जनाब. पानी इंडी को
ये जनाब प्योर क्रैकन पट्ठा है जी, ये इलाके का पोता लगता है, वो बड़े बैंगम है, इधर जो ब्रीडर है उसका बच्चा है जी डायरेक्ट। इसके दो भाई आए हुए हैं जी, बहुत बहुत अच्छे थे। ये हमारी प्योर 100% प्योर जोन सी क्रैकन हैं जी, पट्टियां मुर्गियां। अच्छा जी आप भाइयों को बताता हूँ जी, लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग में फर्क क्या होता है जी, ठीक है। वो बैंगम पहले देखा है, वो लाइन ब्रेड था, और ये एक पट्ठा है जनाब, ये आपको दिखाया पहले, ये भी वीडियो में था, ठीक है। ये भी लाइन ब्रेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनके साइजेस क्या हैं। और डार साहब ब्रेड समझने पे दूसरी खाने वाली, ठीक है। वो ब्रीड तू ब्रेड बने हैं जी, फॉर्म चेंज हो गई है, ठीक है। डार साहब बस देर ब्रेड। तो ये जोन सा ना, ये लाइन ब्रेड है, ठीक है। और वो जोन सा डार साहब क्या है? ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। ये ब्रेड एंड बटर की इन ब्रीड है, ठीक है। आप मैं आपको दिखाता हूँ इस कर, ये इन ब्रीड जोड़ा है जी, वही ब्लड लाइन है, सिर्फ बैक ब्रीडिंग हुई है जी, इन ब्रीडिंग, ठीक है। अब ये देख लें, इनके साइजेस बहुत कम हो गए हैं, लेकिन ये गाढ़े बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इनकी आंखें भी चेंज है, मेयार ज्यादा है हाई, ठीक है। लेकिन इनके साइज जो उनसे ना छोटे हो गए हैं जी, एम्ब्रॉय बन गया साहब, जो सी बात है, ठीक है। ये देख लें, तो अब ये समझ लें, अब कि ये क्या है, ये इंग्रेडिएंट्स है, ये प्योर इंग्रेडिएंट्स है। मतलब आप इसको आगे जो उनसे ना फ्यूचर में जरा क्रॉस मादियों में लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट शानदार आएगा। ये मतलब ये आप ब्रीडर एज अ ब्रीडर, अभी बच्चा है बिल्कुल, ठीक है। जब ये मच्योर होगा, इसकी लुक, इसकी बनतर, हर चीज़ जो आंसर ना मजीद जो आंसर ना बेहतर होगी, ठीक है। मैं मूवमेंट थोड़ी करें ताकि आपको भाइयों नजर आए, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है जी, पट्टी देखें, ये बहन भाई है, ठीक है। तो जो ब्रीडिंग का फॉर्मूला है जी, वो लाइन ब्रीडिंग है, ठीक है। इन ब्रीडिंग आप करते हैं, चलो मेरे आपके पास कोई चीज़ जो सी है ना अच्छी बन जाए, प्योर हालत में बन जाए, ताकि वो फिर लड़ाई के लिए नहीं होती। अब ये जो लाइन ब्रांड है, इनको हम लड़ा भी सकते हैं, तपा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इन ब्रीड होते हैं वो सिर्फ इन्ग्रीडियंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।